हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये देखिए कितने जूसी गुलाब जामुन बने हैं। तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी जूसी ही रसगुल्ले बनेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बने थे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए हमने 2 कप चीनी ले ली है और 2 ही कप हम पानी लेंगे। तो इसे चलाते हुए चीनी घुलने तक हम चाशनी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें चाशनी एक तार की नहीं चाहिए, सिर्फ चीनी घोलना है हमें। जब चीनी घुल जाएगी तो हम इसे बंद कर देंगे। तो ये चीनी घुल गई है, तो अब इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो इस तरह से चेक कर लें, ये हल्की सी चिकनी इनकी ऑयल की तरह लगने लगे। तो अब यहाँ पर आप डाल सकते हैं इलायची, हरी इलायची डाल सकते हैं। तो हमने चाशनी रख दी है और उसी कप से हमने 1 कप ले लिया है मावा। तो उसी कप से लेंगे हम 1/4 कप सूजी और मैदा। तो फ्रेंड्स, हमें सूजी कम डालनी है, मैदा थोड़ा ज़्यादा डालना है। सूजी इसलिए डालनी है क्योंकि हमारे रसगुल्ले में गांठ नहीं पड़ेगी, तो इसलिए सूजी डालना बहुत ज़रूरी है। तो 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया बेकिंग पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मसल के इसका डो लगा लेंगे चिकना। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब जामुन नहीं बन रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं बन रहे तो थोड़ा सा मैदा और ऐड करें, और अगर आपका डो सख्त हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, तो आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, हमने एक रसगुल्ला यानी कि गुलाब जामुन बना लिया है। तो आप चाहें गोल बना सकते हैं, हमने सिलेंडर का आकार दिया है इन्हें। तो अब गैस पे रख लेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि हमारे गुलाब जामुन फट रहे हैं या सही बन रहे हैं। तो ऑयल हमें इसी तरह से रोटेट करना है, चलाना है, नहीं तो ये तरी में चिपक जाएंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए हम सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन हमारे परफेक्ट के हैं और फूल भी गए हैं। तो इसी तरह से हमें सभी गुलाब जामुन अपने बना लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें सभी सेक लेने हैं। तो अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपकी परेशानी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हमने ऑयल चलाया नहीं था इसलिए थोड़े तरी में चिपक गए थे। तो इसी तरह से हम सभी गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेंगे। तो अब ये चाशनी में हमने डाल दिए फ्रेंड्स। चाशनी हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्की ही गर्म चाहिए। तो इसे रखते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। तो हमने ओवरनाइट रखे थे। तो गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं, चाशनी गुलाब जामुन ने पी ली है। तो अब इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। तो अब इन्हें कर लेंगे कट, क्योंकि हमें इन्हें चमचम बनाना है। तो इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे। तो अंदर तक इसकी चाशनी भर गई है अच्छे से। तो सभी गुलाब जामुन हम कट कर लेंगे। और ये है मावा, उसमें थोड़ा सा हमने पाउडर शुगर मिला दिया है, पिसी हुई चीनी। तो इस तरह से इसका एक लंबा पेड़ा बना लेंगे और इसमें भर देंगे। सभी चमचम हरवा बन के तैयार हैं। तो ये है नारियल का बुरादा, ये ग्रीन कलर और रेड कलर हमने मिक्स कर लिया है दूध के साथ। तो इसे डेकोरेट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच।